नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि दीदी प्लीज़ बताइए कि आप कैसे अपने वीडियोस बनाती हैं, किस फ़ोन से बनाती हैं या फिर कैमरे से बनाती हैं, या फिर आपका क्या क्या चीज़ें आपके पास है वीडियो बनाने के लिए। तो सबको कमेंट करके लिखना, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने सोचा इस एक वीडियो बना दूं और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास क्या क्या है और मैं अपने वीडियो कैसे बनाती हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। और आज की वीडियो में मैं नाम लेना चाहूँगी रश्मि ध्रुवे और स्नेहलता का। थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो और बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हो, तो थैंक यू तो वैसे भी बहुत छोटा वर्ड है, पर फिर भी कहना ज़रूरी है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और मैं कैसे अपने वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले वीडियो बनाने में पहले मैं माइक का यूज़ नहीं करती थी, मैं नॉर्मल बनाती थी। तो फिर कमेंट्स आ रहे थे कि आवाज़ बहुत कम आती है, धीरे आती है, तो फिर मैंने एक माइक ख़रीदा बोया का, जो कि अभी मैंने लगा रखा है। ये आई थिंक 900 में या 800 में कुछ, तो 800 या 900 में ही था, अंडर 1000 ही है। यही एक मेरा इन्वेस्टमेंट है वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद पहले मैं बनाती थी वीवो V5 से वीडियो। अभी 1 जनवरी को मेरे जन्मदिन पे, जैसा कि आपको बताया है, मुझे वीवो 17 Pro ये मिल गया है, तो मैं अभी उससे वीडियो बना रही हूँ। लेकिन पहले मैं इससे वीवो V5 से ही वीडियो अपना स्टार्ट किया था। और उसके बाद मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है, मैं कोई भी एक ऐसा डिब्बा लेती हूँ, और अभी भी मैंने एक ऐसा ही डिब्बा ले रखा है और यहाँ रखती हूँ और इस पर ऐसे टेक लगा के ऐसे अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करके जो है वीडियो बनाएंगे तभी वीडियो अच्छी बनेगी। आप नॉर्मल अपने जो आपके पास स्मार्टफोन है, जो आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, उससे भी आप जो है वीडियो बना सकते हैं। आप जो ईयरफोन यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ माइक के लिए कर सकते हैं। बट मेरे की आवाज़ क्या है, आवाज़ थोड़ी कम थी या फिर धीरे कह सकते हैं, इसलिए मुझे माइक लेना पड़ा उस, क्योंकि ईयरफोन में भी मैं बहुत ज़ोर से जब बोलती थी तो मुझे जैसे खांसी आने लगती थी या फिर मतलब अजीब सा होने लगता था, बहुत तेज़ मुझे चिल्ला के एक्चुअली बोलना पड़ता था। तो अभी जब से ये ले लिया है थोड़ा सा मेरा वो मुश्किल मेरी ख़त्म हो गई है। तो बस इतनी ही चीज़ें हैं मेरे पास। पहले वीवो V5 था, अभी 17 Pro हो गया है, वीवो V17 Pro, और एक कोई एक ऐसा डिब्बा जो भी हो जो मैं ऐसे टेक लगा के बना सकती हूँ। अभी भी वैसे ही एक टेक लगा के बना रही हूँ, और ये टेबल, डाइनिंग टेबल और चेयर है, बस इसी पे मैं बनाती हूँ। तो इतना ही खर्चा है मेरा अब तक का, और इतना ही सेटअप है मेरा, मैं इतने में ही बना लेती हूँ वीडियो और बन जाती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा फ़ोन ख़रीदना है, बहुत महंगा कैमरा ख़रीदना है या बहुत महंगी माइक ख़रीदनी है, कुछ नहीं। जब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ मेरी वीडियो बढ़ रही है या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप अपना जैसा भी सेटअप बनाना चाहे बना सकते हैं, बट स्टार्टिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।